Hi guys, very good evening to one and all guys. Reply in the chat box. Am I audible? Please, everyone guys, reply in the chat box. Am I audible? Yes or no? My screen is visible to you guys. Okay, Aryaman. Guys, need reply in the chat box. By chat box to ekdam activated rakho. Thank you, Atul. Am I audible, guys? Everyone, Hindustan ke jis corner tak meri awaaz ja rahi hai, un corner tak. Everyone, guys, am I audible? Am I audible? And meri screen aap logo ko dekh raha hai bilkul. Are you able to see my screen? Yes or no? ओके ग्रेट चलो तो बिल्कुल स्टार्ट करें. आई थिंक अभी भी कई हिंदुस्तानी भाई बहन हम ज्वाइन कर रहे होंगे लेकिन ठीक है उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करते. जो टाइम पे आ गए उसकी बिल्कुल कदर करनी चाहिए राइट. जो टाइम पे आ गए बिल्कुल उसकी कदर करनी चाहिए. सो गाइज आई थिंक यस्टरडे कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आई थिंक हमारे क्लास के अंदर भी थे. आई थिंक कई न्यू स्टूडेंट भी यहाँ पे दिख रहे हैं. तो गाइज यस वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस. मैं आप सबको बहुत बहुत वेरी गुड इवनिंग बता रहा हूँ राइट. सो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आई थिंक न्यू होंगे एंड कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यस्टरडे की क्लास में थी या तो जो भी अभी फ्री क्लास चल रहे थे उनको शायद आप एंजॉय कर रहे होंगे. एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल कि आपकी जो भी क्वेरी है मन के अंदर या जो भी डाउट्स है नॉट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेंट बट इन टर्म्स ऑफ द MBA in terms of the KAT in terms of the preparation to everything we will discuss here right. So aaj ka topic bahut shandar hai is to KAT right. aaj ka topic bahut shandar hai ki sir KAT ke andar कैसे भागना है सर उसके अंदर कैसे रेस लगाना है आज वही हम बात करने वाले हैं. एंड उसके लिए बहुत सारे डिस्कशन अपन यहाँ पे करेंगे. आई क्रिएट ऑन वेरी गुड पीपीटी फॉर यू गाइज. सो डेफिनेटली आई विल शेयर इन द लास्ट. मैं मेरा नंबर दे के जाऊंगा आप मेरे से पीपीटी मांग लेना राइट. सो देखो मंजिल बहुत बड़ी है. हमने जो भी यहाँ पे ठान लिया है कि सर हम केट की लड़ाई लड़ने वाले. मैं अगेन कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ. बट मेरा जो कहने का मतलब है कि गाइस मेहनत करनी होगी. जो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी तो जान लगानी पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा. ऑलरेडी मेहमत हाफ जा चुका है. हाफ मेहमत इज पेंडिंग एंड आपके पास और 5-6 मंथ है जिसके अंदर आपको लड़ाई लड़नी होगी. अब उस लड़ाई को कैसे लड़े उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए या तो उसके अंदर आपको क्या चीजें का क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा तो सारी बात हम यहाँ पे करेंगे. बट यस इन बिटवीन यू हैव एनी डाउट्स और डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ केट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ एमबीए यू कैन डेफिनेटली पुट ऑन द चैट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑन द योर क्वेश्चन. बट कई सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा. बट फिर भी आपको लग रहा है आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई दूर दूर तक कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि शायद मैं कैप्चर ना कर पाऊ. तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग मी गाइस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द चैट बॉक्स. आर यू विथ मी गाइस एवरीवन आर यू रेडी गाइस लेट्स स्टार्ट द पार्टी. एवरीवन गाइस रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. शुड आई स्टार्ट एवरीवन आर यू विथ मी ऑल अटेंडी गाइस एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. आर यू विथ मी गाइस आर यू विथ मी. ओके चलो वंडरफुल. So, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग के अंदर होते हैं एंड जब मैं गूगल के अंदर या तो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ गूगल के अंदर सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला जो कीवर्ड होता है दैट इज कि सर कब से प्रिपेरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. कब से प्रिपेरेशन स्टार्ट करनी चाहिए दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द स्टूडेंट माइंड कि भाई सर उसका क्या अच्छा टाइम या तो क्या बुरा टाइम. तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि जो सही टाइम होता है कोई भी बुरा टाइम नहीं होता है. बट यस आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे आंसर देना होगा. तो आप सबके दिमाग के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन होंगे एंड डेफिनेटली शुभम आप प्लीज बेटा वेट करिए एंड तक. डेफिनेटली आई विल कवर द योर क्वेश्चन लास्ट के अंदर. मैंने ऑलरेडी रखा है कॉलेजेस के बारे में. एंड तो जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये तो पॉइंट था कि सर कौन सा टाइम बेस्ट होता है. तो गाइस उसके लिए कोई भी टाइम बेस्ट नहीं होता है. जब से आप जागे तब से सवेरा दोस्त मेहनत करने लग जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है. देखो हम पैदा होते तब कोई हम मुहूर्त नहीं देखते कोई हम टाइम नहीं देखते दोस्त.
आपको लड़ाई चालू हो गई है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, हम तो अभी भी बहुत लेट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप इतना भी लेट नहीं हो कि आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। लेकिन आप मुझे आके बताएंगे कि सर जुलाई महीने के अंदर आई एम थिंकिंग एंड आई एम प्लानिंग कि सर मैं के 2022 के एग्जाम्स के लिए कुछ फाइट कर रहा हूँ, या तो के 2022 के एग्जाम्स के लिए शायद मैं प्रिपरेशन करना सोच रहा हूँ, तब मेरा आंसर होगा कि सॉरी दोस्त, इट विल बी द डिफिकल्ट बिकॉज आप लेट हो चुके हो। तो जो टाइम ऑफ स्टार्ट का मैं आपको बात बताता हूँ, तो आइडल टाइम इज द वन ईयर, आइडल टाइम इज द वन ईयर, बट यस मिनिमम टू मिनिमम 6 months इज रिक्वायर्ड, और 6 months से नीचे दैट विल बी द वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए बहुत लॉजिकल बात मैं बता रहा हूँ, कल के क्लास के अंदर जो आप होंगे तो मैंने आपको बताया था यू नीड 100 hours फॉर अरिथमेटिक, यू नीड सम स्पेसिफिक टाइम फॉर द ऑल टॉपिक्स, राइट? सो यस वहां पे Definitely, Samir, you can do, but उसके लिए मेहनत करनी होगी। देखो कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर, मैं बीच में ले रहा हूँ कि सर मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो 99% आ सकता है क्या? खाली सोचने से नहीं आएगा, मैं अभी बता रहता हूँ। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रोज आपको 50 क्वेश्चन से 70-80 क्वेश्चन डेली का सोल्व करना होगा, और क्या आप कर सकते हो कि नहीं वो अपने आप से आपको बात करना होगा। देखो सोचना बहुत इजी है, हम कई बार सोते सोते सपने के अंदर इतने दूर चले जाते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं होती, कोई कंट्रोल ही नहीं होते हमारी भावनाओं के ऊपर। लेकिन जब मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जब सुबह का अलार्म की मैं बात करूँ तो अलार्म अकेला अकेला बजता रहता है, हम कभी भी हमारी बेड के ऊपर से हम निकल नहीं सकते। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप उस फिराक के अंदर जी रहे और आपको लग रहा है कि सर 99% करना खाली बातें है, तो मैंने कल के क्लास के अंदर भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ कि 2.5 लाख बच्चे जो कैट के एग्जाम लिखते हैं उसमें से ओनली 9 स्टूडेंट वॉज देयर जिन्होंने 100 में से 100% लाए थे। जो 100 में से 100% लाए थे, गाइस इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, अगेन मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, मेहनत करनी होगी दोस्त। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही मैं कर लूंगा, दोस्त ऐसे नहीं होगा, जय माता जी करने से मार्क्स नहीं आएगा, लास्ट में कुछ नहीं होगा। टेस्ट आपको 3 घंटा बैठ के टेस्ट लिखनी होगी, आपको 2 घंटा बैठ के टेस्ट लिखनी होगी, एंड टेस्ट लिखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एनालिसिस। जो आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो दोस्त मर जाएंगे, जो आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा आप सही कर रहे हो और क्या आप गलत कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आगे बढ़ते रिवीजन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई के आसपास आपको शकील बोल रहा है कि सर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस बाकी लोग एक बार रिवर्ट कर सकते हो चैट बॉक्स की मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है परफेक्ट, यस और नो क्विकली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, ऐसा ना हो जाए कि मैं अकेला मेरे साथ बातें करता रह जाऊं। सो बाकी लोग एक बार बता सकते हैं। ओके थैंक यू शकील बेटा, वो हिंदुस्तानी जुगाड़ लगा लो, एक बार आप एग्जिट होके इन हो जाओ, आई थिंक परफेक्ट हो जाएगा। शायद कई सारे स्टूडेंट बता रहे कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, तो एक बार देख लो, राइट? ओके गुड। तो देखो मैं रिवीजन की बात यहाँ पे बता रहा था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन होंगे कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो सर रिवीजन की कहाँ से मैं बात करूँ? एंड दैट इज व्हाई जो मैंने यहाँ पे रखा है परफेक्ट यहाँ पे पिक्चर जो रखी है बॉस, कि आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल इतने सारी प्रॉब्लम चलती होगी कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं कहाँ से इसको कंप्लीट करूं, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर सम पीपल कि जिसको एक्सपीरियंस है और आपको कुछ बता सकते हैं। आप जो आपके सीनियर है, आपके रिलेटिव्स है, आपके मेंटर्स है, आपके टीचर है, अब जिसको चाहते हो उनके पास जाइए और उनसे बात करिए कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी जो चल रहा है तो आप डेफिनेटली आप मे मंथ जून और जुलाई तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सिलेबस कवर कर सकते हो, इट इज वेरी पॉसिबल बिकॉज LRDI एंड VRC के अंदर बहुत बड़ा आपको टाइम नहीं लगाना होगा, लेकिन क्वांट के अंदर आपको थोड़ा टाइम देना होगा, बट यस फिर भी आप कर सकते हो। थोड़ा कॉलेज से आपको हटके आना होगा दोस्त, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट गाइस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा तो हमको उसको साइड करना होगा। साइड में 9% लाने की बात कर रहा हूँ कॉलेज के अंदर, तो शायद 8% आएंगे तो चलेगा, लेकिन मुझे मैनेज करना होगा। एंड जुलाई के पहले गाइस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड जुलाई के बाद हम रिवीजन के ऊपर जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि जब एक बार पूरा सिलेबस को आप टच करेंगे तब यू विल गेट आइडिया कि बॉस वेयर आई एम स्ट्रांग एंड वेयर आई एम वीक, राइट? जब तक आपको आपकी इनसाइट्स पता ही नहीं है बॉस, तब तक आप क्या रिविजन करेंगे और क्या रिविजन नहीं करेंगे। तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू क्लियरली चेक करना होगा। साक्षी बेटा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपका क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने देख लिया है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड लास्ट आई विल डेफिनेटली डिस्कस योर क्वेश्चन, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए टाइम टेबल बनाना। मैं टाइम स्केड्यूल के अंदर कई बार स्टूडेंट से बात करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सर मुझे न्यूज़पेपर भी कब पढ़ना है, मुझे
गेम कब खेलना है क्योंकि मेरे लिए पजल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे सुडो को कब खेलना है क्योंकि मुझे वोकेबुलरी इंप्रूव करना है, मेरे को क्वांट के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, वीआरसी के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, एलआरडीए के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहां से प्रैक्टिस करूं? अच्छा, आपके फॉर एग्जाम्पल 1000 क्वेश्चन है क्या, लेकिन आप बता सकते हो कि जो आपके पास क्वेश्चन है वो कैट लेवल का है कि नहीं, वो आपको आंसर कौन देंगे गाइस? तो उसके लिए दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको डिफाइन करना होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी रिस्क लेने का बिल्कुल टाइम है नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, बहुत कम टाइम बचा है, तो जो भी होगा हमको जान लगानी होगी। तो आपके पास बहुत एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, या तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो दैट शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, अदरवाइज और भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिसको भी बिलीव रखते हो, जिसको भी आप मानते हो गाइज, उनके पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए, आपके सीनियर से, आपके मेंटोर से, टीचर से, रिलेटिव से, जिस जिसके पास भी आप नॉलेज ले सकते हो गाइज करिए, क्योंकि दिस इज द सीरियसली लास्ट माइल, दिस इज द लास्ट लेप, इसके बाद आपका कोई ऐसा टाइम नहीं आने वाला है कि जहां पे आप कैट के बारे में सोच सकते हो, स्पेसिफिकली कैट 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, मैं 22 की बात कर रहा हूँ, राइट, ओके गुड। सो यहाँ पे थोड़ी और बात आगे ले जाते, राइट, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्ट्रेटेजी गाइज। देखो, कोई भी चीज, कोई भी मंजिल, कोई भी वॉर, कोई भी फाइट वो करने के लिए गाइज यू नीड स्ट्रेटेजी। जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, याद करो कॉलेज के दिन कि हम कैंटीन में जाके फ्रेंड के पास से समोसा के पैसा निकालने थे, फिर भी हम लोग वहां पे स्ट्रेटेजी बना रहे थे। दोस्त, यहाँ कोई भी कंपनी की जेब से आपको 25 लाख रुपया निकालना है और उसके लिए आपको कैट के एग्जाम लिख रहे हो गाइज, आपको लग रहा होगा कि विदाउट स्ट्रेटेजी यू कैन क्रैक, दैट विल बी डिफिकल्ट गाइज, वो बिल्कुल डिफिकल्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जो मैं यस्टरडे के अंदर बता रहा था कि आपको टॉपिक वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको देखना होगा कि सब टॉपिक वाइज कि इसकी लास्ट 10 ईयर के अंदर क्या उसकी इंपॉर्टेंस रही है, या तो लास्ट 10 ईयर के अंदर इन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं। जब तक आप वो एनालिसिस तक नहीं पहुंचेंगे, आपको लग रहा होगा कि सर मैं खाली सिलेबस को टच कर दूंगा तो गाइस 70-80% आ जाएंगे जो जीवन में कहीं काम नहीं आने वाला है। आपकी जो रियल फाइट है, दैट इज द 90%+ लाना, दैट इज योर एक्चुअल फाइट, दैट इज योर रियल फाइट, और आपको वो ही फाइट लड़नी है और वो फाइट को जीतना है मेरे दोस्त, और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी लगानी होगी, बहुत सारी चीज आपको अचीव करनी होगी, बहुत सारी चीज के अंदर आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। देखो, कीप इट द वेरी, टेक इट द वेरी वेरी सीरियसली कि आपको बॉस बहुत अच्छे से जो भी टाइम आपके पास बचा है उसका यूटिलाइजेशन कर लेना, मेहनत करनी होगी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करनी होगी। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है तो दोस्त छोड़ देना आज ही, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसके अंदर कोई फाइट है ही नहीं तो छोड़ देना। वर्षा बेटा, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैंने देख लिया आपका क्वेश्चन, राइट। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ऐसा मत सोचना कि सर कुछ भी लिख के आ जाएंगे, केट मजाक नहीं है दोस्त, जो टफ एग्जाम, मैं अगेन मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे अभी यही मीटिंग के अंदर आगे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर जो सिलेबस आते हैं वो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का आते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस ऑल थिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सर केट को भगाने के लिए, और आप सबका अभी जो आई थिंक चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, एंड दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सर कहाँ से हम एमबीए करें। चलो सर हमने केट की एग्जाम कर ली, सर हम अच्छे मार्क्स से पास हो गए, या तो हम आगे पढ़ाई करने जाते हैं तो सर हमको कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, या तो कौन सी कॉलेज से करना चाहिए, हमको कौन सी कॉलेज से करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊं, तो यू कैन सी कि आई एम कोलकाता। देखो, यू कैन सी जो यहाँ पे दिस इज द क्लस्टर ए, एंड यहाँ पे जो सिक्स कॉलेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्स कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। बॉस आंख बंद करके एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि इनसे बेहतर कॉलेज इस हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी नहीं है, इनसे बेहतर कॉलेज कहीं पे भी नहीं है गाइस। यू कैन सी उसकी जो पैकेज है आप देख सकते हो, जो उसकी जो हैंडसम सैलरी जो आपको मिलेगी, यू कैन सी, राइट। और डेफिनेटली अमर बोल रहा है कि सर बिल्कुल आपकी बात सही है, डर लग रहा है। दोस्त, डर लगने की बात नहीं है, देखो प्रैक्टिस नहीं की होगी तो डर लगेगा, मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से कई बार बातें करता हूँ, मेरी इस बात को आप लिख लेना आपकी बुक के अंदर, आप अच्छे बोल्ड अक्षरों में लिख लो, एग्जाम हॉल में से बाहर निकलने के बाद आप मुझे फोन करके बताएंगे कि सर आपने जो बात बताई थी वो सच थी। आपको ऐसा लग रहा है कि मजाक चल रही है तो मजाक नहीं है दोस्त, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसे ही कैट कर लेंगे तो दोस्त ऐसे कैट नहीं होगा, राइट। 70% ला देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हो घर जाके मत सो जाना, कोई टेंशन नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी आप 70% लाएंगे, उतना दिमाग आप सब लोग में है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ।
आपकी जो चैलेंज है विच इज द 90-100% के बीच में है, आप 89% भी लाना चाहते हो तो डरना मत, वो आ जाएगा, उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आ जाएगा। आप एकड़म बकड़म करके आएंगे तो भी उसके आसपास आ जाएंगे। आपकी जो फाइट है ना वो 90%+ पे, एंड हमको जो चैलेंज है वो 95%+ चाहिए टॉप कॉलेजेस के अंदर जाने के लिए, तो मेरी लड़ाई वहां पे होनी चाहिए, राइट। सो इज इट क्लियर गाइस? तो दिस ऑल द कॉलेजेस, राइट, यू कैन सी आई एम कोलकाता, आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, एसपी जैन, एफएमएस दिल्ली, एक्सेलराइज जमशेदपुर, दिस ऑल कॉलेजेस इज द वेरी वेरी गुड, एंड यहां से बिल्कुल आप ले जा सकते हो आगे एज अ करियर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल रही है दिस इज द वेरी वेरी वंडरफुल, इनसे बेहतर सैलरी आपको हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं दे सकते, इसके अंदर कोई नहीं दे सकते। डेफिनेटली यासी, मैंने इसके पहले भी एक सेशन लिया था कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, आप एप्लीकेशन पे जाइए, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा सारे पॉइंट्स के ऊपर, राइट। तो दिस कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि सर इस कॉलेज में शायद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो दिस इज अ क्लस्टर बी लेवल की कॉलेज, एंड यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। MDI गुड़गांव, यू कैन सी कि यहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, आपका MBA कर सकते हो। IFT दिल्ली विच इज द वेरी वेरी गुड, आपको इंपोर्ट के अंदर, आपको इंटरनेशनल को बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली IFT के अंदर एडमिशन ले सकते हो। MDA गुड़गांव, HR इज द वेरी वेरी गुड, JBMS जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, मैं आपको लास्ट ईयर का इस लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट हुआ था उसके अंदर JBMS जो कॉलेज है मुंबई के अंदर उसके प्लेसमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आया है। दोस्त कोविड के अंदर ओनली एंड ओनली MBA वाली जो डिग्री ऐसी है कि वहां पे ही सभी लोगों का पैकेज इंक्रीज हुआ है, बाकी कोई भी सेक्टर के अंदर इस बार सैलरी रिड्यूस हुआ है, ओनली MBA। उसका रीजन है कि जो प्राइवेट कंपनियां जो जितने भी प्लेसमेंट है वो और इंक्रीज हुए ड्यू टू बहुत सारी ऐसी न्यू वैकेंसी, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऐसी वैकेंसी आई है जहां पे आई थिंक टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग चाहिए, उनको अच्छे लोग चाहिए, तो वहां पे आपको और बेनिफिट्स मिला है, राइट। टिस्नेट आपने नाम सुना होगा, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, राइट, जिसके लिए टिस्नेट की एग्जाम आपको लिखनी होगी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आपको लगता है कि आपको चैरिटेबल ट्रस्ट या तो आपको वैसी कोई चीजों के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। आई एम इंदौर इज अ वेरी वेरी गुड, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो। आई एम कोझिकोड इज अ वेरी गुड, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो सारी चीजों से मैं इस सैटरडे इंस्टा लाइव करने वाला हूँ 8:30 को, एंड वेर वी विल डिस्कस की बेबी आईएम्स वर्सेस न्यू आईएम, कि आपको बेबी आईएम है न्यू आईएम से उसके बीच में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी आईएम चुननी चाहिए, तो वहां पे मैं और डिटेल में बातें करूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूँ कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, आपको कौन सी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, राइट। मुस्कान, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देता हूँ बेटा, अभी आई थिंक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा, राइट। सो दिस ऑल कॉलेज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लास्ट में PPT भेज दूंगा, राइट, मैं लास्ट में PPT भेज दूंगा, आप खाली देख लो इसको, आंखों के अंदर जमा लो। दिस इज द क्लस्टर सी, क्लस्टर 3 लेवल की जो कॉलेज है, विच इज द IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, इफ यू आर इंजीनियर, सिम्बायसिस पुणे, आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन लुक देयर। आई एम रांची विच इज द बेबी आई एम्स बट वंडरफुल आई एम, आई एम अहमदाबाद। आई थिंक कोई लोग अभी पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर के अंदर करियर बनाना है तो क्या करना चाहिए, FABM जो आपको इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तो आई एम अहमदाबाद ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, एंड यहाँ पे आपको जो PGTBM करना है तो 99.99% चाहिए, तो शायद यहाँ पे खाली 90% में भी आपको एडमिशन मिल सकता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहां पे बहुत कॉम्पिटिशन नहीं है। आई एम शिलोंग इज द वेरी वेरी गुड, देखो आपको वैसे याद रखना चाहिए ब्लैकिश, याद रखना चाहिए ब्लैकिश। दिस इज द आई एम बेंगलोर, आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, आई एम कोलकाता, आई एम कोझिकोड, आई एम इंदौर एंड आई एम शिलोंग। इस IIM के अंदर आपको कहीं पे भी एडमिशन मिलता है तो आंख बंद करके एडमिशन ले लेना चाहिए, आंख बंद करके एडमिशन ले लेना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं है। HR के लिए इफ यू आर आस्किंग तो डेफिनेटली आई एम रांची इज द वेरी वेरी गुड, MDA गुड़गांव इज द वेरी वेरी गुड, नरसिंह मुंजी मुंबई कैंपस इज द वेरी वेरी गुड, आपको यहाँ से एडमिशन लेना चाहिए, एंड इस सारी कॉलेज के लिए आपको अच्छे परसेंटाइल चाहिए। दिस इज द क्लस्टर डी जो लगभग 13-15 लाख का पैकेज देंगे, और इसके बावजूद भी मैं 29 मई को एक और सेशन करने वाला हूँ यूट्यूब लाइव, वहां पे हिंदुस्तान के टॉप 50 कॉलेजेस का लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि उसका प्लेसमेंट क्या है और उसके अंदर क्या पैकेजेस के साथ आपको एडमिशन मिल सकता है और उसके लिए क्या कट ऑफ या तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो गाइज उसके लिए आप यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना,
आपको और सेशन यहाँ पे लगभग 7 to 8 सेशन आने वाला है YouTube का, तो जो आपको हेल्प करेगा ये सारी चीजों के अंदर कि आपको कहाँ पे क्या फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट ये सब के चीज के बीच में जो मैं आपको बताऊँ, एक बहुत अच्छी बात, अगर कभी कई सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमको मार्केटिंग में लेना चाहिए, सर हमको सेल्स में लेना चाहिए, सर हमको HR में लेना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो MBA की जर्नी होती है ना वो कैसी होती है। सबसे पहले KAT की एग्जाम्स आती है, जो सबसे पहले आती है विच इज द KAT की एग्जाम, राइट। इसके बाद जो आपका सेकंड राउंड आएगा दैट विल बी ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट, राइट। इसके बाद आपको एडमिशन मिलना होगा और इसके लिए आपको कॉलेज डिसाइड करनी होगी, राइट। इसके लिए आपको एडमिशन मिलना होगा और इसके लिए आपको कॉलेज डिसाइड करनी होगी। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ईयर एमबीए जो है उसके अंदर आप सभी का जनरल एमबीए चलता है और उसके अंदर कोई भी आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि आपको एमबीए में सेल्स में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सेकंड ईयर के अंदर आते हो, सेकंड ईयर ऑफ एमबीए के अंदर जब आप आते हो, तब आपको स्पेसिफिक करना होगा कि आपको कहाँ से एमबीए करना है। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करना, मजे की बात कि देखो अभी जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो एडमिशन आता है यहाँ पे देखा जाता है कि आपका KAT का स्कोर क्या है, आपका GDPI का स्कोर क्या है, आपका 10th और 12th का परसेंटेज क्या है, या तो आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका परसेंटेज क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, ये सारी चीज आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सबके लिए जो सबसे कंपलसरी है विच इज द KAT एग्जाम और वो सबसे पहले आने वाली है, दोस्त आप यहाँ पे फेल हो गए तो आप यहाँ पे जाने वाले ही नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मुझे कहाँ से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर मार्केटिंग में से करूँ, मैं सेल्स में से करूँ, मैं HR से करूँ, सर मैं MDI गुड़गांव लू, या मैं सर आई एम गाजियाबाद लू, या मैं आई एम जम्मू लू, या कुछ भी आप जो करना चाहते हो, या तो कोई ना कोई चीज जो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके पहले जो मेरा क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, गाइज मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि KAT के अंदर आपको कितना परसेंटेज आने वाले, क्या आपका KAT का परसेंटेज आपने फिक्स कर दिया है गाइस, क्या आपको पता है कि आप 99.99 परसेंटेज ले लेंगे, एंड दैट इज व्हाई यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, एंड आपको पता है कि मेरा इतना परसेंटेज आ जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई यू आर डिसाइडिंग कि मुझे कौन सी कॉलेज के अंदर जाना चाहिए। गाइज मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्या मैं सेंसेबल बात बता रहा हूँ गाइज, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। हम जो टेंशन लेके घूम रहे हैं वो टेंशन नाहक का है दोस्त, आपके किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। क्या मुझे बताओ कि आपका 10th एंड 12th के अंदर परसेंटेज गड़बड़े, क्या आप 10th एंड 12th की एग्जाम वापस देंगे, क्या आप गलती से मेल पैदा हो गए हो, क्या आप फीमेल बन जाएंगे गाइस, आप जेंडर चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, आप ऑपरेशन करा सकते हो, लेकिन क्या हम कराएंगे सोचना भी मत। मेरा कहने का मतलब है मैं हजारों स्टूडेंट से बातें करता हूँ, कई सारे स्टूडेंट का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज करते रहते कि सर मेरा 10th के अंदर इतना परसेंटेज है, मेरा 12th के अंदर इतना परसेंटेज है, मैं क्या करूँ। मैं बताता हूँ कि दोस्त ये सारी बातें भूल जाओ, आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए दैट इज द KAT एग्जाम्स। गाइस आर यू विद मी, एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आर यू विद मी, यस और नो गाइस, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। KAT के अंदर मार्क्स नहीं आया तो आगे जाने वाले नहीं हो, मेरे इन आंखों ने, मेरे इस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखा है कि जिसके अंदर जिसको 99.99 परसेंटाइल 10th, 95 प्लस परसेंटाइल 12th एंड ग्रेजुएशन के अंदर भी 9 प्लस परसेंटाइल होने के बावजूद भी KAT के अंदर 70 परसेंटाइल आते हैं दोस्त, रोने कैसे रोना है वो भी नहीं आता है और आगे एडमिशन भी नहीं मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा कि आपको, हम सब प्रॉब्लम में यहाँ फंस जाते हैं कि सर मैं HR में एडमिशन लू या सर मैं सेल्स के अंदर एडमिशन लू। गाइस हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, जब आपका पहला ईयर कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे हम सोचेंगे जो ट्रेंडी होगा, जहां पे ज्यादा पैकेज मिल रहा होगा, जिस फील्ड के अंदर अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, या तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसके अंदर स्ट्रांग हूं, मुझे क्या करना है। कई सारे लोग होते हैं जल्दबाजी में सेल्स ले लेते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करने के बाद उसको लगता है कि सर मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद मेरा हेल्थ इश्यू होने लगा है, तो आपको डेफिनेटली सेल्स छोड़ना पड़ेगा।
और आपने जो पूरी मेहनत की वो पानी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि हर चीजों को आपको अलग अलग नजरिए से देखना होगा, एंड सारी बात ऐसी है जो लास्ट में आने वाली है, एंड दैट इज व्हाई मैं बोलता हूँ कि दोस्त अभी आपको एक कोई चीजों के अंदर फोकस नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक होगा, लेकिन आपको जो लड़ाई लड़नी है दोस्त गेट एग्जाम, आप अभी यहाँ पे खड़े हो तो आपको अर्जुन की तरह सिर्फ एंड सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गेट एग्जाम दिखनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। गाइस 99.99% आपके रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ होगा दोस्त, आपको कुछ भी करना नहीं होगा, कॉलेज आपको कॉल करके बताएंगे कि भाई मेरे वहां पे आ जा। आईएम के अंदर से कॉल आते हैं गाइस, उसके पास रिजल्ट आपके रिजल्ट शेयर होता है, दे विल कॉल यू, जो भी इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान की वो सारे लोग आपको कॉल करके सामने से बुलाएंगे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है दोस्त, आपका जितना भी टेंशन है आप छोड़ दो, वो आपको बताएंगे कि आपका 10th और 12th के अंदर रिजल्ट गड़बड़े लेकिन 99.99% लाया है, तो उसके लिए क्या सेटिंग करना होगा, कैसे करना होगा, वो सारी चीज वहां पे होगी, आपका चिंता नहीं है। आपके कंट्रोल में जो है दैट इज द गेट एग्जाम, इसका रिजल्ट आपके कंट्रोल में, इसके लिए नहीं चाहिए आपको पैसा, नहीं चाहिए आपको कोई प्रॉब्लम, नहीं उसमें आपने पास्ट में किए हुई गलती, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जस्ट मेहनत करो दोस्त एंड 99% लाओ, आगे की चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। Is it clear everyone? Is it clear guys? Reply in the chat box. Everyone, is it clear? तो आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर मैं एचआर करूं, मैं सेल्स करूं, मेरे मुझे पहले रिजल्ट बताओ। दोस्त रिजल्ट लेके आइए, देखो जिस दिन आपके हाथ में रिजल्ट होगा ना, दुनिया पूरी आपके कदमों में होगी। Try to understand. 80, 70, 75% लाने के बाद कुछ नहीं होगा बेटा, अपन कितनी भी सोच ले, हम अभी डिसाइड कर ले कि सर आई एम अहमदाबाद के बिना नहीं पढ़ेंगे। मैंने ऐसे भी लोग मेरे करियर के अंदर देखे जो ईगो के साथ बोल, ईगो होना बहुत जरूरी है, देखो एटीट्यूड होना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आई एम अहमदाबाद नहीं मिलेगा तो मैं एमबीए करूंगा ही नहीं, वैसे लोग को 70% आते हुए भी मैंने देखे, मेरी इन आंखों ने देखा है। बट यस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी मेहनत पे, रिजल्ट हमारे किसी के हाथ में नहीं, गीता में लिखा है दोस्त कर्म करो, क्या मिलेगा किसी को पता नहीं, राइट, बस जान लगा दो, जान लगा दो, एक बार ऐसी मेहनत करो कि आजू बाजू पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जानी चाहिए, एंड आजू बाजू वाले लोग आपको ऐसा, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके रिलेटिव आपको बोलना चाहिए कि यार लौंडे के अंदर कुछ चेंज हुआ है, जो लड़के के अंदर कुछ चेंज हुआ है, जो मेहनत कर रहा है यार, जान लगा रहा है, एंड बिलीव मी गाइस, जिस दिन आप उस लेवल की मेहनत करेंगे पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएंगी, आपको लोग भी मदद करेंगे, आपको रिसोर्सेस भी मिलेंगे, आपको काफी सारी हेल्प हो जाएगा। लेकिन यस, आपको जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए एंड हार्डवर्क होना चाहिए, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आई थिंक आप सभी लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द प्रोफाइल। आई थिंक बहुत सारे लोगों का बहुत हॉट क्वेश्चन होता है कैट वालों के लिए सर प्रोफाइल एंड ऑल, तो यू कैन सी कि आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का स्कोर यहाँ पे कंसीडर होगा। वर्क एक्सपीरियंस, देखो आई थिंक किसी ने यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, मैं आपको इसको बहुत न्यूट्रल आंसर दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है, वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना आपका नुकसान नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका नुकसान नहीं है। इज इट क्लियर गाइस? केट वाले पागल नहीं है, एमबीए आईएम की बॉडी पागल नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट, वो तो ऐसा होता तो वो बोलते हैं ना कि आप पहले ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद केट की एग्जाम लिखो। क्यों ग्रेजुएशन में आपको एग्जाम लिखने के लिए अलाउ कर रहे हैं? क्यों आप लोग को जो प्री फाइनल ईयर के अंदर होते हो तब आपको एग्जाम लिखने के लिए क्यों एलिजिबल कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के बिना भी लोग आएंगे और आपको एडमिशन मिलता है। गाइस मैं अगेन बता रहा हूँ, सारी चीजों में मत फंसना कि सर एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होता है, रिजल्ट चाहिए दोस्त। 99% होगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो वर्क एक्सपीरियंस होना बेनिफिट है, नहीं होना नुकसान नहीं है, राइट। अच्छा, जेंडर डाइवर्सिटी की एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी की मैं थोड़ी बात कर दूं। देखो जेंडर डाइवर्सिटी के तो वैसे भी ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि भाई जॉब पैदा हो गए उसके अंदर कोई फर्क नहीं होने वाला है। एकेडमिक डाइवर्सिटी के अंदर भी ऐसा तो नहीं होने वाला है कि अभी मैं कोई बात बता दूं तो आपका इंजीनियरिंग छोड़ देंगे और बीकॉम में चले जाएंगे, या तो आपका बीकॉम छोड़ के आप डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो चीज है उस पर फोकस करो, हमको केट के अंदर रिजल्ट चाहिए, जो मेरी सबसे पहली लड़ाई है। इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear? And last and very important is extra curricular. अच्छा, कई लोग यहाँ पे होते हैं कि सर मैं मेरे गांव के अंदर मेरे स्ट्रीट में बहुत अच्छी कबड्डी खेलता था,
तो उसका सर्टिफिकेट कहीं काम में नहीं आएगा। आपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है या तो वैसे कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगे और डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? सो दिस ऑल थिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द क्राइटेरिया जो आपका क्वेश्चन था। डेफिनेटली आई विल शेयर द पीपीटी इन लास्ट, तो आप देख लो फिर भी कि कौन से कॉलेज के अंदर केट को कितना योगदान दिया जाता है। जैसे कि एफएमएस के अंदर अभी थोड़ा चेंजेस आया है कि उन्होंने अभी 10th एंड 12th का परसेंटेज मांगना भी चालू कर दिया है, बाकी वो पहले नहीं मांगते थे। यू कैन सी एक्सेलरा है ओनली जेट के एग्जाम का मार्क मांगते हैं आपसे, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। राइट, आई एम कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर आप देखेंगे तो यू कैन सी कि वो इतना परसेंट वेटेज खाली केट को देते हैं, बाकी उनके लिए अब वर्क एक्सपीरियंस देखो कि ओनली आई एम बेंगलोर वो भी 8% मांगता है, बाकी किसी को कोई प्यार नहीं है वर्क एक्सपीरियंस से। राइट, तो उसकी सबकी चिंता मत करना, मजे से पढ़ाई करो। राइट, मजे से पढ़ाई करो। आई एम लखनऊ, यू कैन सी यहाँ पे 10th का कोई वेटेज नहीं है, 12th के बाद वो वेटेज चेक करते हैं। सो दिस ऑल कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया था उसका यहाँ पे डिटेल में है, मैं अगेन आपको पीपीटी दे दूंगा, यू कैन सी जब आपके पास तसल्ली से टाइम मिले आप देख सकते हो। एमबीए गुड़गांव ओनली 100% केट का स्कोर, उसको कोई लेना देना नहीं है दूसरी चीजों से, कोई लेना देना नहीं है। राइट, आईएफटी दिल्ली 100% आईएफटी का स्कोर मांगेंगे, उसको कोई पंचायत नहीं है बाकी चीजों से। एमडीआई गुड़गांव, एचआर किसी को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो। जेबीएफ जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र सीईटी की एग्जाम्स लेंगे और इस जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, 80% सिलेबस विल बी सेम, 80% सिलेबस विल बी सेम, ओनली 10-15% का जो डिफरेंस आते हैं दैट इज किसी के अंदर करंट अफेयर्स आते हैं, किसी के अंदर जनरल नॉलेज या तो जो सारी चीज पूछी जाती है उसका ही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। इज इट क्लियर? दिस ऑल कॉलेजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी जो मैं यहाँ पे बता रहा सिम्बायसिस ओनली विल आस्क योर स्नैप एग्जाम स्कोर एंड 100% वेटेज जो है वो स्नैप के एग्जाम्स को देते हैं एंड उनके लिए आपको डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छी कॉलेजेस है। आई एम उदयपुर, आई एम रांची, यू कैन सी आई एम त्रिची, जितनी भी बेबी आई एम से विच इज द वेरी वेरी गुड। आई एम काशीपुर, आई एम बोध गया, आई एम जम्मू विच इज द वेरी वेरी गुड आई एम्स, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो एंड सारे कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई कर पाएंगे। राइट, सो दिस इज ऑल थिंग्स गाइस एंड दिस इज द सिलेबस। देखो यू कैन सी आप 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने जो भी पढ़ाई किया था वही सारी चीज, नंबर सिस्टम, एलसीएमएससी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, पे टाइम, डिस्टेंस, यू कैन सी रेशियो एंड बायनम थियरम या तो अब्सर्स एंड इंडाइसिस, सेट थियरी, प्रोबेबिलिटी, मिक्सर्स एंड एलिगेशन, ट्रिगोनोमेट्री हो सकते हैं थोड़ा आपके लिए नया हो, बाकी सारी चीज जियोमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर, कौन सी चीज आपने नहीं पढ़ा था, यही सारी चीज यहाँ पे आने वाली है। एंड यू कैन सी हियर इज द ब्लड रिलेशनशिप एंड लॉजिकल सीक्वेंस इज मैचिंग, या तो आप देखेंगे कि बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम्स एंड यही सारी चीज अरेंजमेंट, यही सारी चीज आएगी कि एक टेबल के ऊपर 5 लोग को बिठाना है तो कैसे बिठाए, वही सारी चीज इसके अंदर आने वाले। इंग्लिश के अंदर थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि हमारा इंग्लिश थोड़ा मेरे जैसा होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली आपको थोड़ा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो इसके अंदर डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ने की आदत लगा दो, ये सारी चीज करने से आप डेफिनेटली इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज द सिलेबस, बहुत ईजी है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ई कोचिंग। आई थिंक आप काफी दिनों से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, मैं ज्यादा कुछ ई कोचिंग के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा वैसे भी, ठीक है, बहुत सारी चीज आप जानते होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेक माई टेस्ट विच इज द वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो आपको ई कोचिंग प्रोवाइड कराता है। राइट, जिसके अंदर आपको डिफिकल्टी लेवल वाइज यू कैन चूज, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, परफॉर्मेंस आपकी जैसी भी टेस्ट रहती है उसका एक रिजल्ट मिलता है आपको, सेक्शन वाइज या तो सब्जेक्ट वाइज आप कर सकते हो और कम कॉम्पिट नेशनल, आप इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस एग्जाम को लिखते हैं तो आपको उसके साथ भी आप कॉम्पिटिशन कर सकते हो। लाइव वर्कशॉप, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे लाइव वर्कशॉप, बेसिक मैथमेटिक्स से क्लास, ऐसी बहुत सारी चीज आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी लास्ट फाइट के अंदर। राइट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट, इसकी भी हम प्रिपरेशन आपको कराएंगे आपका केट रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, आपका केट रिजल्ट आने के बाद ये भी आप कर सकते हो। राइट, सो दिस इज ऑल थिंग्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेंट चीज, दिस इज अवर एप्लीकेशन। कई लोगों को होता है कि सर हमको ईएमआई चाहिए या तो सर हम एक साथ फीस एफोर्ड नहीं कर सकते। गाइज यू कैन कॉन्टेक्ट अस डेफिनेटली, ई कोचिंग
के अंदर आपको 100% ईएमआई प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, राइट। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा एंड यू कैन अवेल नाइन मंथ का मैक्सिमम आप प्लान ले सकते हो। आई थिंक आप जिसके भी कॉन्टेक्ट में हो, सलोनी मैडम, कल्पेश सर, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं मेरा भी मोबाइल नंबर दूंगा, आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो। कभी भी कोई भी फाइनेंस इश्यू आ जाता है, मैं तो हर बार हर चैनल के अंदर बता रहा हूँ कि भाई ई कोचिंग हमारा मकसद ही अफोर्डेबल एजुकेशन। देखो 12,000 रुपीज के अंदर पूरा कैट का कोचिंग में चैलेंज दे रहा हूँ, पूरे इंडिया में कोई नहीं कराएगा, जिसके अंदर आपको कौन अलर्ट दिया है और वर्बल प्लस ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू सब कुछ मिलता है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं भी जब स्टूडेंट था तो बहुत गरीब फैमिली के अंदर से था, शायद मैं भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। उस दिन से मैंने चाहा था कि जिस दिन मैं कैपेबल बनूंगा, जिस दिन भगवान तो शायद इतनी शक्ति देंगे कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो उसके लायक बनूंगा। आज मैं कितने सारे फ्री सेशन लेता हूं, मैं कई सारे एप्लीकेशन के अंदर हमने फ्री कोर्सेज बना के रखा है, एंड विदाउट एनी अमाउंट यू कैन स्टडी। हाँ, उसके अंदर आप 99% नहीं ला पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको कैट के लायक बना दूंगा, कैट के सिलेबस को टच करवा दूंगा। पैसा इज नॉट एवरीथिंग दोस्त, पैसा से सब कुछ नहीं चलता है, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए तो सबका काम हो जाएगा। 10-12 हजार में आप ओनली 10-12 हजार में ओनली यू विल गेट कि भाई आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अवर प्लान, दिस इज अवर लाइव क्लास। आपको लगता है कि आपको कुछ लाइव क्लास या कुछ भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड। उसके अंदर डेली मेंटर्स पढ़ाते हैं, जो मैं भी आपको बातें बता रहा था। दिस इज द प्रोग्राम जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा 24 आवर्स के अंदर, जो आप कोई भी क्लास लेते हो उसको आप अटेंड कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, फुल टेस्ट, जीडीपीए की प्रिपरेशन। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, पीयर टू पीयर एंड पीयर टू फैकल्टी यू कैन लर्न। मेक माई टेस्ट का वंडरफुल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरिंग मिलेंगे एंड आफ्टर केट यू विल गेट द गाइडेंस। दिस ऑल थिंग्स यू विल गेट। सो गाइज, दिस इज फ्रॉम माई साइड एंड यस, दिस इज द अवर टेलीग्राम ग्रुप चैनल। आपको लगता है कि सर हमको कोई इतनी जितनी चीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको फ्री में मिल सकता है। आपको जितने भी लोगों को जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिख रहा है, डेफिनेटली आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो गाइज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यांसी क्या बोल रहे हो बेटा, स्ट्रेटेजी मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और एलोबरेट करिए गाइज। बाकी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो गाइज यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। प्रिपरेशन के अंदर देखो यांसी का क्वेश्चन है, मैं बाकी सभी बच्चों का भी क्वेश्चन होगा, मैं इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट नाम लेके बात कर रहा हूँ तो आई थिंक कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे तो भी हम कवर करेंगे। उसका क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी या तो स्टार्ट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। देखो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीज जो बताई, मैंने सबसे पहली बात बताई कि इसका कोई भी राइट टाइम नहीं होता है, जब से आप स्टार्ट करो दैट इज द राइट टाइम। सेकंड थिंग आपको देखना होगा जो मैंने यस्टरडे की क्लास के अंदर बताया था कि मैं जो मैं लाइव क्लास जहां मैं पढ़ा रहा था, जो हमारे बच्चों के साथ में जो बातें कर रहा था, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि लास्ट टेन ईयर के अंदर कौन से टॉपिक में से, कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारी बातें हम क्लास के अंदर करते तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बननी चाहिए एंड वहां से आपको पता चलेगा कि बॉस आपको कैसे उसके लिए पढ़ना होगा, उन टॉपिक्स के अंदर आप कितना इंप्रूवमेंट करें। तो स्ट्रेटेजी दैट इज ओनली। बाकी आपको देखो इसके अंदर ये लड़ाई लड़नी होगी कि आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना होगा, बेसिक्स इंप्रूव करना होगा और टेस्ट सीरीज के बाद एनालिसिस करना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बोलो कि सर मेरा अरिथमेटिक पुअर है तो दोस्त फिर तो कैट की एग्जाम लिखनी नहीं चाहिए। लेकिन यांसी आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए बेटा कि सर मैंने टेस्ट लिखी अरिथमेटिक के अंदर, परसेंटेज इज द वेरी वेरी गुड, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सर मैं फंस जाती हूँ। जब आप इतना माइन्यूट एनालिसिस करके आएंगे तब डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी और आप कर सकते हो। सेकंड थिंग मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट अरुण में कोई भी बुक्स के अगेंस्ट नहीं और सारा मटेरियल सेम होता है, राइट। लेकिन जो अरुण शर्मा होता है थोड़ा टफ होता है, तो आपको आरएस अग्रवाल से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाओ, कंसेप्ट को क्लियर करो एंड एक बार मेक माई टेस्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आप इजी लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, धीरे 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 आप पिकअप पकड़ेंगे। उसके बाद आप अरुण शर्मा के भी क्वेश्चन सोल्व करो, विच इज वेरी वेरी गुड। देखो कोई भी मटेरियल खराब नहीं है, मैं तो नोट्स में मानने वाला इंसान हूं, नोट्स बनाओ जम के, बाकी मटेरियल कोई खराब नहीं। तो स्ट्रेटेजी के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि मेहनत करने होगी, 8 घंटा लगाना पड़ेगा। बाकी कोई यहाँ पे ऐसी शरबत या तो ऐसी कोई तलवार या तो ऐसा कोई तावीज नहीं है कि मैं आपको पेना दो और मार चा दे, वैसे किसी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। मेहनत और ऐसी स्ट्रेटेजी मार्केट में मिलती होती तो हर कोई 25 लाख का पैकेज ले ले, राइट।
सर मुझे के 2023 करना है। बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो के 2023 करना है तो कर लो, 22 के लिए आप एलिजिबल हो तो आप 22 भी लिखना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको एक्सपेरिमेंट होगा, आपको पता चलेगा कि फोबिया क्या होता है, सिर्फ क्या पैनिक हो सकते हो आप, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज आप फील कर पाएंगे, तो उनसे आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा एंड यू विल गेट आइडिया कि आप कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में फंस रहे हो, तो उन सब्जेक्ट्स में आप नेक्स्ट 365 डे यू विल गेट आइडिया। अमीषा इज इट क्लियर बेटा? आप कोई भी अर्जुन अगेन बेटा मेरा आंसर वही होगा यूजफुल बुक के अंदर, कि सारे बुक्स यूजफुल है, कोई भी बुक्स बेकार नहीं होती है यार। आपको जो जमती है वो करो। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, मैं आपको बता रहा हूँ, रोज का 50 क्वेश्चन सोल्व करो, रोज का 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन क्वांट के अंदर, 10 आपका LRDI के अंदर होना चाहिए और 10 क्वेश्चन VRC के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट 6 मंथ करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ परसेंटाइल निकालेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन रोज इंक्रीज होना चाहिए। देखो मैं टॉपर से बात करता हूँ, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जो टॉपर था उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर मैं रोज का 100 क्वेश्चन सोल्व करता था। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड और इट इज पॉसिबल, बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो भी आपको लगता होगा कि भाई ये इतने क्वेश्चन करने के बाद, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप ले सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल आपको इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज आपको करनी चाहिए, राइट? ये सारी चीज आपको करनी चाहिए, तब जाके दोस्त मार्क बनेगा, तब जाके आप ला पाएंगे रिजल्ट। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? एवरीवन और कोई क्वेश्चन गाइज, रिप्लाई टू चैट बॉक्स। एनी क्वेश्चन गाइज? गुड। सो फिर भी आपको जो लगता है कि सर आपको और भी कोई क्वेश्चन है और आप लग रहे हो, तो दिस इज माय कॉन्टेक्ट डिटेल, आप बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा देखो कुछ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरा मैथ्स वीक है। देखो आपको मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा मैथ्स वीक है। देखो आपको एक निकालना होगा कि भाई मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक आते हैं, नंबर सिस्टम आते हैं, ज्योमेट्री आते हैं, एलजेब्रा आते हैं, उसमें से आप कहां पे वीक हो, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंशिका मैंने जो बताया बेटा कि बुक सारी अच्छी होती है बेटा, कोई बुक खराब नहीं है, कोई बुक खराब नहीं है, राइट? बट यस, पहले आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करना, क्योंकि अरुण शर्मा थोड़ी टफ होती है, फिर ऐसा ना कि डर लगने लगे कि सर क्या करे क्या ना करे, राइट? तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइज दिस वॉज फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड यस आपको लगता है कि एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेक, बिल्कुल वो तो वर्षा उसका कोई आंसर ही नहीं बेटा, मिनिमम जितना कर सकते हो, राइट? वो सब काम में आने वाली बात है। सो गाइस प्लीज, मैंने यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिया है, इफ यू विश आपको लगता है कि PPT या तो जो भी मैं एक्सेल दिखा रहा था आपको चाहिए तो रिप्लाई कर देना, आई विल शेयर विद यू गाइस, राइट? एंड बाकी यस, आपका कोई भी फीडबैक है तो यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। बाकी दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, फिर भी आपको कहीं पे कुछ लगता है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, मैंने जो यस्टरडे बताया था कि फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग न्यू बेस, सैटरडे से न्यू बेस चालू हो रही है, एंड जहां पे आपको पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे विद GDPR एंड वेट एंड एवरीथिंग्स एट 12,000 रुपीज ओनली। तो इफ यू विश, आपको लगता है कि सर अभी भी मुझे डेमो या तो टेस्ट करना है, यू कैन गो विद 1,000 रुपीज विद 7 days एंड वो भी रिफंडेबल है। आप 1,000 के बाद, अब 7 days के बाद आपको रिफंड हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप रिफंड करवा सकते हो, राइट? तो आप जिसके भी कनेक्ट में हो आप उनसे बात करिए, मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और भी कोई फाइनेंस में चैलेंज है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरे से जितनी मदद हो सकती होगी आई विल गिव माय बेस्ट, मैं आपको हेल्प करूंगा जहां जहां भी हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट को मैंने किया है तो आपको भी कर सकता हूं तो डेफिनेटली आई विल डू। बट यस दोस्त, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, देखो पैसा की वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आपको जहां लगता है हम फाइट करेंगे यार, सभी लोग करेंगे, ठीक है? तो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से न्यू बैच चालू हो रहेगा, तो आप जिसके भी टच में हो बिल्कुल उनसे कनेक्ट कर लेना। एंड यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम बाद में या सोचते रहेंगे, क्योंकि हम इंजीनियर का प्रॉब्लम होता है कि हम सोचते रहते हैं खाली, राइट? करते कुछ नहीं। ये सेशन सुनने के बाद हमको आएगा कि सर कुछ करना है, सर कुछ करेंगे, 4 दिन के बाद आप वापस शांत हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है,
कल से कल इसको फाइट लगाओ गाइस, जो भी कर सकते हो करो, जहां जरूरत पड़ती है आप हेल्प चाहिए, आप कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, दैट इज अ डिफरेंट गेम। मेरा नंबर है, मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हम तो भाई टीचर इंसान है, आपको जो भी हेल्प हो सकती होगी वी विल डू, आपको जहां पे मदद कर सकते हैं हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस ओनली, मैं अभी अभी आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ जो मुझे एडमिन की ओर से मिला हुआ है, ऑपरेशन टीम से, कि ओनली 6 सीट इज अवेलेबल, 6 सीट खाली बची है। तो आपको लगता है कि यू वांट टू ज्वाइन, तो गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड दिस इज माई नंबर इज ऑल्सो गिवन हियर, आप स्क्रीन से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपको आज की क्लास की जहां से भी लिंक मिली थी, आप उनके टच में हो तो वहां पे भी आप रिप्लाई कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो गाइस प्लीज आप चैट बॉक्स में रख सकते हो, मैं अभी भी 5 मिनट्स हूँ यहाँ पे, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। एंड आपको लगता है कि सर अभी यहाँ समुदाय के बीच में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे भी करना, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके दिल और कोई भी क्वेश्चन है। बेस्ट कॉलेज फॉर MBA इन एग्रीकल्चर, शुभम बेटा मैंने क्वेश्चन मेरा नंबर दिया हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत लिमिटेड है, मैं आपको कनेक्ट करूंगा, अपन कल बात कर लेंगे, ठीक है, मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो वी विल कनेक्ट, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। पीडीएफ बेटा कौन सी पीडीएफ, कोमल कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो, जो भी पीडीएफ आपको जो भी कुछ चाहिए, आपको जहां से भी क्लास की लिंक मिलती है, आप उसके जिसके भी कनेक्ट में हो उनसे मांग लो, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए आप जिसके भी कनेक्ट में हो उनसे मांग लो, ठीक है, ग्रेट, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। यस यस अर्जुन, अभी से ही करना चाहिए बेटा, बाद में तो कुछ भी नहीं होता है, अभी से ही करना है प्रिपेरेशन स्टार्ट, बाद में कुछ भी नहीं होता है। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, ओके, चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।